नमस्कार दर्शकों, तुम रोजाना की तरह हाजिर हैं लेकर अपना खास प्रोग्राम आज का राशिफल। आज के राशिफल में हम आपको बताएंगे कि राशिफल का हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। तो आप जानते ही हैं कि राशि के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य से जुड़ी कई जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं। वहीं ग्रह गोचर और नक्षत्र की चाल के आधार पर ही राशिफल का निर्माण किया जाता है। ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती है, इसलिए हमारे दैनिक जीवन में घट रही घटनाएं भी एक समान बिल्कुल भी नहीं रहती हैं। वहीं आज 21 फरवरी यानी कि गुरुवार का शुभ दिन है और आज के दिन भगवान विष्णु की कृपा से ग्रह कुछ राशियों के लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ संकेत दे रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ राशियों पर भगवान विष्णु की कृपा काफ़ी ज़्यादा बरसती हुई नजर आएगी, जिससे इनको सभी कष्टों का नाश भी हो जाएगा। साथ ही आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, आज के दिन आपके लिए क्या क्या परिवर्तन ला सकता है, क्या कुछ खास आपके लिए रहने वाला है, क्या कुछ उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में आज के दिन आने वाले हैं, इन सब सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस आज के खास राशिफल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली राशि यानी कि मेष राशि से। मेष राशि के जातक आज किसी भी परिस्थिति में क्रोध में ना आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। किसी भी आवश्यक काम भी आपका आज अधूरा हो सकता है, इसलिए आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, ज़्यादा चिंता भी नहीं करनी है। साथ ही ईश्वर की आराधना, जाप और आध्यात्मिकता आपको शांति का अनुभव कराएगी। वहीं निवेश करने में काफ़ी ज़्यादा सावधानी आज बरतें, ज़्यादा पैसा कहीं ना लगाएं तो अच्छा रहेगा। वहीं हर नए संबंध के प्रति गहरी व पैनी नज़र रखने की आपको विशेष ज़रूरत है। आज किसी सके संबंधी से वैचारिक मतभेद आपके हो सकते हैं, आपको अपनी वाणी पर यानी कि अपनी जवान पर, अपनी बोली पर आपको आज संयम जरूर रखना है, आपको ज़्यादा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। आज आपकी सामाजिक कार्यों में रुचि कम रहेगी, कोई कठोर प्रकृति का व्यक्ति नज़रों से दूर रहेगा, वातावरण में हल्कापन और मनोरंजन का रंग आपके ऊपर छाया रहेगा। वहीं पेट संबंधी बीमारियों की शिकायत हो सकती है। जी हाँ, विद्यार्थियों की पढ़ाई में कठिनाई आएंगी, आकस्मिक धन खर्च हो सकता है, किसी व्यक्ति विशेष का सहयोग आपके लिए आज कारगर सिद्ध होगा, आपके पुराने मित्र आपका सहयोग करेंगे। साथ ही आज आपका स्वास्थ्य, जो आपकी सेहत है, वो पहले से थोड़ी बेटर हो जाएगी। जो लंबे समय से बीमारी आपके घर में चली आ रही थी, उससे भी आपको राहत मिलेगी। साथ ही योग करने से मानसिक शांति भी आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। आज किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होने का योग बन रहा है, कोई ज़रूरी सुझाव आपको मिलेगा। साथ ही वाणी और व्यवहार में संयम आपको ज़रूर रखना होगा। ऑफिस के कामकाज के हेतु प्रवास पर आपको जाना पड़ सकता है, माता के साथ अधिक निकटता अनुभव करते हुए आप नजर आएंगे, आपको कई अहम क्षेत्र में बड़ी कामयाबी भी हासिल हो जाएगी। वहीं बड़े स्तर पर लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आज कार्य क्षेत्र में भी आपकी प्रशंसा हो सकती है। वहीं सगे संबंधी से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपको लड़ाई झगड़े से बचना है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए तभी रहेगा, वरना कुछ दिक्कत का सामना भी आपको ज़रूर करना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं कर्क राशि वालों की। आज आपके विचारों में नकारात्मकता रह सकती है। जी हाँ, परिवार के सदस्यों के साथ कुछ आराम के पलाव बिताते हुए नजर आएंगे, आपके प्रिय का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए सोच समझ कर कोई भी काम आपको करना है। छुपे हुए दुश्मन आपके बारे में अफवाहें फैलाने के लिए अधीर हो सकते हैं, इसलिए आपको अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, बल्कि आपको अपना केवल काम करना है। अगर आप किसी विवाद में उलझ जाएं तो तल्ख टिप्पणी करने से बचिए। जी हाँ, खेलकूद से जुड़े लोगों के लिए बेहतरीन दिन है। जो लोग खेलकूद या फिर अपने किसी भी अन्य काम में अपना परचम लहराना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा उचित समय है, उचित दिन है। कोई भी स्पोर्ट्स एकेडमी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको लाभ ज़रूर होगा, खेल के प्रति आपकी रुचि और भी ज़्यादा बढ़ेगी। चलिए जानते हैं सिंह राशि वालों का हाल। आज घर या परिवार में कोई शुभ कार्य हो सकता है, आज आप चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं में फंसने से थोड़ा सा बचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं पढ़ाई लिखाई में कम रुचि के चलते बच्चे आपको थोड़ा निराश भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी सेहत की अगर बात की जाए तो आपकी सेहत काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने के चांस बन रहे हैं। आपके जीवन में काफ़ी लंबे समय से चली आ रही बीमारी से भी आपको छुटकारा मिलेगा। वहीं आपकी शोहरत भी बढ़ सकती है, कार्य व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा की कुछ कमी आएगी, प्रतिस्पर्धियों को परास्त कर सकेंगे।
प्रिय व्यक्ति के साथ मिलन होने से मन आनंद का अनुभव करेगा। ऑफिस में कुछ लोग बात या जानकारी आपसे छिपाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपका काम आपके बॉस के निगाह में काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। चलिए बताते हैं कन्या राशि वालों का हाल। आज दोस्तों के साथ भ्रमण मनोरंजन में समय व्यतीत होगा। यदि आप किसी सामाजिक कार्य से जुड़े हैं तो आपके सामने विरोधियों की भीड़ खड़ी हो सकती है। अगर आप सहयोग ना करें तो कोई आपसे नहीं झगड़ा कर सकता है। सबसे अच्छा रिश्ता बनाए रखने की कोशिश आपको करनी है। वहीं बुजुर्ग वर्ग और मित्रों की तरफ से आपको कुछ लाभ होगा। नए मित्र आपके बनेंगे जिनकी मित्रता भविष्य के लिए लाभदायक साबित हो सकती है। जी हाँ, आपके आजीवन यानी कि भविष्य में काम आने वाले आपके मित्र भी आज बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों की। आज व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। साथ ही जीवन में आने वाली सभी परेशानी आपकी हमेशा हमेशा के लिए अब दूर हो जाएंगी और आपको लाभ भी जरूर होगा। अगर आपके दोस्त परिवार के लोग विदेश में रहते हैं तो उनकी तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है, जिसके बाद आपके घर का माहौल काफी ज्यादा खुशनुमा बन जाएगा और आपको लाभ जरूर होगा। आज आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी आएंगे। ऑफिस में दिन शानदार बीतेगा। सहकर्मी की मदद से जरूरी काम आपके पूरे हो जाएंगे और आपको लाभ जरूर मिलने लगेगा। तो चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। आज आपके राज की कोई खास बात उजागर होने के योग बन रहे हैं। क्षणिक गुस्सा यानी कि थोड़ा सा गुस्सा विवाद और दुर्भावना की वजह बन सकता है, इसलिए आपको ज्यादा गुस्सा नहीं करना है। आज रुका हुआ धन आपका मिल जाएगा। आर्थिक हालात में आपके सुधार जरूर आएगा। रियल एस्टेट संबंधित निवेश आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि दोस्त और रिश्तेदार आपकी जरूरतों को नहीं समझते हैं। छोटे बच्चों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की विशेष जरूरत है, वरना उनको कोई भी बीमारी अपनी चपेट में ले सकती है, इसलिए आपको पहले से ही सतर्क रहना होगा। चलिए बात करते हैं धनु राशि वालों की। आज आपका व्यापार काफी अच्छा चलने वाला है। भगवान विष्णु कहते हैं कि आज आपके जीवन में हर वो खुशी आपको प्राप्त होने वाली है जिसकी आप काफी लंबे समय से चाहत रखते थे। अगर आपके अंदर साहस और बुद्धिमानी है तो आप इन लोगों से चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं। इस राशि की महिलाएं आज लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रहेंगी। रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि काफी ज्यादा बढ़ेगी। आपकी रचनाएं आज बड़े तौर पर जनमानस तक पहुंचेंगी। वहीं शारीरिक रूप से आज आप काफी ज्यादा मजबूत रहेंगे। छात्रों को आज कम मेहनत से ही सफलता जरूर मिलेगी। आज आपको रूटीन कामों में किसी भी आदमी की मदद मिल सकती है, जिसके बाद आप खुशी के साथ अपना जीवन जीते हुए नजर आएंगे। बताते हैं मकर राशि वालों का हाल। आज आपको ढेर सारे दिलचस्प निमंत्रण मिलेंगे, साथ ही आपको एक आकस्मिक उपहार भी मिल सकता है। उन लोगों पर नजर आपको रखनी है जो आपको गलत राह पर ले जा सकते हैं या फिर ऐसी जानकारी दे सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। वहीं घरेलू जिंदगी में कुछ तनाव का सामना आपको जरूर करना पड़ेगा। कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। आप कोशिश करेंगे तो किए गए लगभग हर काम आपको फायदा ही फायदा पहुंचाएंगे। किसी में भी आपको नुकसान नहीं होगा और आपकी जिंदगी पूरी तरह से पलटती हुई नजर आएगी। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। आज आपको बुजुर्गों और मित्रों की मदद मिल सकती है। वहीं स्त्री वर्ग से आपको लाभ होगा। मकान वाहन प्राप्ति के भी योग दिखाई पड़ रहे हैं। आप अगर काफी लंबे समय से आपने कोई घर या फिर कोई भी वाहन खरीदने का प्लान बना रखा है तो आज का दिन आपके लिए काफी ज्यादा शुभ है, क्योंकि पढ़ाई में भी आज सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। भगवान विष्णु की कृपा से आपको ऐसी जगहों से महत्वपूर्ण बुलावा आएगा जहां से आपने कभी सोचा भी ना हो। समय की कमी की वजह से आप दोनों के बीच निराशा के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। पुराने काम निपटाने का मन बना सकते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। आप कोई रोमांटिक मूड में भी आप काफी ज्यादा रहेंगे। मीन राशि, आज आपका विरोधी पक्ष सक्रिय होने से चिंता आपकी बढ़ जाएगी। वहीं पारिवारिक जीवन में किसी सदस्य का नाराज रहना भी आपको व्यथित करेगा। आप दोस्तों के साथ बेहतरीन समय वक्त बिताते हुए नजर आएंगे, लेकिन गाड़ी चलाते वक्त ज्यादा सावधानी आपको बरतनी होगी। इस राशि के जो लोग अविवाहित हैं, जिनकी अभी शादी नहीं है, आज उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। आज आपको काम करने के स्टाइल में थोड़ा बदलाव करने की विशेष जरूरत है। इससे आपका काम और निखर कर सामने आएगा और आपको लाभ जरूर होगा और जिंदगी आपकी काफी ज्यादा खुशनुमा बन जाएगी और आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करते हुए नजर आएंगे।
तो दर्शकों, आज के इस खास प्रोग्राम, आज का राशिफल में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए और बने रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल के साथ। नमस्कार।